अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमारे चैनल फूड जंक्शन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएँ उसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम बनाएंगे बकरईद स्पेशल मटन बिरयानी। उसके लिए मैंने लिया है 1 किलो मटन, 1 लहसुन की गांठ, इसको हमने धो लिया है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा जावित्री का टुकड़ा, नमक स्वाद अनुसार, 1 मीडियम प्याज मोटे टुकड़ों में कटी हुई। सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे। उसके लिए कुकर में डालेंगे मटन। आप इसको भगोने में भी बना सकते हैं लेकिन भगोने में टाइम ज़्यादा लगता है। सारे मसाले और प्याज, अब इसमें 1/2 लीटर पानी डालकर इसे अच्छे से चलाएंगे। अब ढक्कन लगाकर 2 सीटी आने तक तेज गैस पर पकाएंगे। उसके बाद 5 मिनट के लिए गैस हल्का करके छोड़ देंगे। जब तक हमारी यखनी तैयार हो रही है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 800 ग्राम चावल, इस गोल्डन बासमती, इसे मैंने 1.5 घंटे के लिए भिगो कर रखा था, 1.5 टीस्पून जीरा, 1.5 टीस्पून काली मिर्च, 6 लौंगे, इसे मैंने दरदरा कूट लिया है, 2 टुकड़े दालचीनी के आधा आधा इंच के, इसको भी मैंने कूट लिया है, 1 टुकड़ा दालचीनी का, इसको भी कूट लिया, जावित्री का, इसे भी मैंने कूट लिया है, 6 लौंगे, 1 बड़ी इलायची के दाने, 2 टेबल स्पून खोपरे का बुरादा, 8 हरी मिर्च मोटी कटी हुई, 3 तेज़ पत्ते, थोड़ा सा जायफल, 1.5 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 200 ग्राम दही, थोड़ा सा जर्दे का रंग, कुछ बूंदे केवड़े की, 3 मीडियम प्याज भुनी हुई। इसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एक बड़े बर्तन में लेंगे 3 बड़े चम्मच सरसों का पका हुआ तेल, इसमें डालेंगे दही, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और ये सारे मसाले। अब इनको अच्छे से चलाएंगे। अब इसको तेज गैस पर दही का पानी खुश्क होने तक भून लेंगे। मसाले भुन गए हैं, अब हम अपनी यखनी चेक करेंगे। हमारी यखनी तैयार है। अगर आपका गोश्त थोड़ा नहीं गला हो तो आप इसको थोड़ा और गला सकते हैं। अब लहसुन की गांठ को हम निकाल देंगे और इसको ठंडा करके इसी में निचोड़ देंगे। अब यखनी की बोटियां हम मसाले में डालेंगे। अब इसको तेज गैस पर थोड़ा भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, चावल के हिसाब से, और इसको चलाएंगे। अब यखनी का पानी इसमें डाल देंगे। इसका ये बचा हुआ मोटा मसाला सब इसका हटा देंगे। ये देखिए लहसुन को हमने थोड़ा पानी डालकर इस तरह से निचोड़ लिया है। अब इसको इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे तकरीबन 1 लीटर पानी। ज़रूरत पड़ने पर हम थोड़ा पानी और डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे चावल। अब इसको अच्छे से चलाएंगे और ढक्कन ढककर तेज गैस पर पकाएंगे। चावल थोड़े से फूल जाएं, फिर उसके बाद एक बार और चलाएंगे।
अब इसको चलाएंगे। पानी खुश्क होने लगा है, थोड़ा पानी और खुश्क होगा तो इसको दम पर लगाएंगे। पानी खुश्क हो गया है, अब इसको दम पर रखेंगे। अब इस पर एक कपड़ा रखेंगे और ढक्कन ढककर इसके ऊपर भारी वजन रख देंगे। अब पहले गैस पर एक तवा रखेंगे और उसके ऊपर ये भगोना रख देंगे। अब इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए तेज गैस पर पकाएंगे, उसके बाद गैस हल्का करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर गैस बंद कर देंगे। एक प्याली में हमने थोड़ा सा जर्दे का रंग ले लिया है, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे 5-6 बूंदे केवड़े की। अब इसको बिरयानी में डाल देंगे। और इस पर डालेंगे भुनी हुई प्याज। और ढक्कन लगाकर 2 मिनट के बाद गैस बंद कर देंगे। बिरयानी तैयार है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।